श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की ये प्रथम जन्माष्टमी है। बहुत ही भव्य अद्भुत जन्माष्टमी हम जो मनाने जा रहे हैं। सारा मंदिर दुल्हन की तरह सज चुका है। जैसे वृंदावन में झूला दर्शन होते हैं, वही झूला दर्शन आपको यहाँ होंगे। राधा गोपीनाथ जी के लिए बहुत ही सुंदर फूल बंगला बन चुका है। दिन रात मेहनत करके तैयारियां कर रहे हैं, जिदा अज ये नतीजा है कि अज बहुत ही सुंदर उत्सव का आयोजन हो पा रहा है। तो सब की मेहनत है ये बीच लगी हुई। हम आज इस दिन को बहुत ही भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। आप शहरवासियों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के दर्शन करने, भगवान का कीर्तन सुनने और भगवान के अभिषेक का आनंद प्राप्त करने के लिए ज़रूर आएं। लेकिन आज जो मंदिर है 12:30 बजे बंद होगा, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो 12 बजे है। हम भगवान का 10:30-11 बजे के करीब अभिषेक करेंगे। कहते हैं जहाँ भगवान के नाम का हर वक्त जप होता है, कथा होती है, आरती होती है, भोग लगता है, तो भगवान वहाँ पे वास करते हैं। जैसे कि USA तो गोरा मनियन ग्रुप आ रहे हैं जो कि भगवान का कीर्तन करेंगे, उन्होंने सुनने वास्ते लोग दूरों दूरों आते हैं। खाली लुधियाना चो नहीं, जिमें खन्ने तो गोविंदगढ़ तो आस पास सराउंडिंग पंजाब के एरिए उन्होंने सुनने लिए आते हैं। तो असी कोशिश करते हैं कि हर साल उन्होंने बुलाइए, क्योंकि उन्होंने सुनन मंत्र जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। जिमें कि थोड़ा पता ही है कि अब जन्माष्टमी है, तो इसे चलते हुए आप लैके आए इस्कॉन टैंपल जनपद के। साढ़े जनरल सैकटरी मौजूद ने योगेश गुप्ता जी, आओ गलबात करते हैं, पूछते हैं भी तैयारियां किदां दी चल रही ने, अज गुणगान करने वास्ते कि कलाकार इतने आ रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हरे कृष्णा। सभी शहर वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस्कॉन जनपद अपनी प्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज मनाने जा रहा है। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की ये प्रथम जन्माष्टमी है। बहुत ही भव्य अद्भुत जन्माष्टमी हम जो मनाने जा रहे हैं। सारा मंदिर दुल्हन की तरह सज चुका है। तो हम शहरवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ, भगवान के दर्शन करें, दिव्य हरि नाम का आनंद लें, भंडारा प्रसाद लें और बहुत ही सुंदर झूला दर्शन यहाँ पर जो अद्भुत हैं। जैसे वृंदावन में झूला दर्शन होते हैं, वही झूला दर्शन आपको यहाँ होंगे। राधा गोपीनाथ जी के लिए बहुत ही सुंदर फूल बंगला बन चुका है। तो एक बार फिर सभी शहरवासियों को आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि आएँ, आज के इस जो उत्सव है उसका लाभ लें। और विशेष जो रहेगा महासंकीर्तन के लिए गौरामणि एवं परम ब्रुक, जो कि USA से विशेष रूप से अपने संकीर्तन मंडल के साथ लुधियाना आ रहा है, उसके लिए बहुत ही अद्भुत मंच बन चुका है। तो सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो इंतजार है आप सब भक्तों का, आइए इस उत्सव का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। जन्माष्टमी का ना भी हरेक बंदे नूं बहुत उत्साह रहिंदा, क्योंकि साल बाद आती है। तो इस्कॉन टैंपल दे विच तैयारियां कद तों शुरू हो गईयां सी इस चीज़ दियां? पिछले असीं लगभग एक महीने तों पूरी मेहनत दे नाल, साडे स्टीयरिंग बोर्ड दे सारे सदस्य दिन रात मेहनत करके तैयारियां कर रहे ने, जिहदा अज ये नतीजा है कि अज बहुत ही सुंदर उत्सव का आयोजन हो पा रहा है। तो सब की मेहनत है ये बीच लगी हुई। तो इस करके शहर वासियों को कहांगे कि आके इन्हू 4 चांद लगाओ, भगवान के दर्शन करो तो अपना जीवन सफल बनाओ। संगत कितों कितों आ रही है? भगत जेड़े कान्हा जी के भगत कितों कितों आ रहे हैं? पूरे पंजाब च इस्कॉन जनपद की जन्माष्टमी का उत्साह है। लोग बहुत दूरों दूरों पंजाब, जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, सब जगह तो लोग आ रहे हैं। तो सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद भी करते हैं। एक बार फिर जेड़े नहीं आ पा रहे उन्होंने निमंत्रण दे रहे हैं कि जल्दी आओ, कितने तुम इस जड़ा अद्भुत उत्सव आदि तो वंचित ना रह जाओ। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं रक्षानाथ दास, इस्कॉन जनपद अध्यक्ष। मेरे को आज ये बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ, भगवान श्री कृष्ण का प्रगट्य दिवस जन्माष्टमी। आज से 5,000 साल पहले भगवान ने आज ही के दिन इस धरती पर अवतार लिया था। हम आज इस दिन को बहुत ही भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। आप शहरवासियों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के दर्शन करने, भगवान का कीर्तन सुनने और भगवान के अभिषेक का आनंद प्राप्त करने के लिए ज़रूर आएं। अच्छा महाराज जी,
एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आज के दिन की पूजा का क्या महत्व रहता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मंदिर रात के 9 या 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, आज मंदिर कितने बजे तक खुले रहते हैं और आज की पूजा का महत्व क्या है? अन्य दिनों में जो हमारा मंदिर है 8:45 रात को बंद होता है, लेकिन आज जो मंदिर है 12:30 बजे बंद होगा, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो 12 बजे है। हम भगवान का 10:30-11 बजे के करीब अभिषेक करेंगे, उसके बाद भगवान को भोग लगेगा और आरती होगी, 12:30 बजे के करीब आज के दिन के जो दर्शन है वो बंद होगा। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं वृंदावन में जो जन्माष्टमी रहती है या मथुरा में रहती है उसका आनंद एक अलग भव्य रूप से होता है, क्या लगता है कि लुधियाना में भी लोग इस चीज़ का आनंद ले पाएंगे? हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो मेरे मंदिर हैं ये धाम हैं, क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में जो शास्त्रों के मुताबिक पूजा अर्चन का विधि है वो होता है। कहते हैं जहाँ भगवान के नाम का हर वक्त जप होता है, कथा होती है, आरती होती है, भोग लगता है, तो भगवान वहाँ पे वास करते हैं। इक्वल टू वृंदावन इस्कॉन के मंदिर, हमारे मंदिरों में दिन में 7 आरती होती है, 7 बार भोग लगता है। जब हम भगवान को शास्त्रों के मुताबिक आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, सिमरन करेंगे, तो वो एक धाम हो जाता है। जो आनंद, जो कृपा आज के दिन आप वृंदावन में सोचते हो मिलती है, वो इस्कॉन जनपद में आपको मिल सकती है। मेरी प्रार्थना आज के दिन आप जरूर आए। तो हुण आपां इस्कॉन जनपद विच मौजूद हाँ, तो साडे नाल प्रोजैक्ट डायरैक्टर सोनू अजमानी जी मौजूद ने। आओ जन्माष्टमी बारे गलबात करदे, पुछदे हाँ भी इत्थों दी जिहड़ी कह लो भी प्रबंध किदां दा चलदा पिआ। राधे राधे जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा लुधियाना। जैसे कि तुसीं पुछिआ कि प्रोजैक्ट किवें चल रहा है, इस टाइम देखो तुसीं अपने कैमरा थ्रू दिखा सकते हो कि लोगों ने आना जाना शुरू करता है, तो बहुत भव्या आयोजन किया जा रहा भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव का, जो कि असी महोत्सव ही मनाने जा रहे हैं। तो असी लोगों नू लुधियाना दे अपील कर रहे हैं कि तुसी आओ, भगवान दे दर्शन करो, भगवान दे चरणा रूपित प्रसाद अर्पित करो और अपने जन्मां नू कृतार्थ करो। शास्त्रां च भी जिवें कहा गया कि जो भी जन्माष्टमी दे या उवें भी खासकर जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है, तो आके भगवान के दर्शन करता है, उन्होंने करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो असं सारे लुधियाने वाले कहने कि शामी 6 बजे तो आके भगवान के दर्शन करन, भगवान के संकीर्तन का आनंद लैन। सर आप गल कर ली कि जेडे कि अरेजमेंट किए गए हैं उन्होंने की मीनस नवा कुछ किया गया, मीनस डिवेलपमेंट की गई वो दसो। देखो अरेजमेंट असी हर साल कोशिश करते हैं कि पिछले साल नालों बैटर करिए, तो इस बार भी कोशिश यही है कि असी बैटर करिए। तुसी शामी जिवें ना, हाले तो तैयारियां चल रही हैं, शामी तुसी दिखाओगे ना लोगों नू, तो इत्थे जैसे कि USA तो गोरा मनियंग ग्रुप आ रहे हैं, जो कि भगवान का कीर्तन करेंगे, उन्होंने सुनने वास्ते लोग दूरों दूरों आते हैं, खाली लुधियाना चो नहीं, जिमें खन्ने तो गोविंदगढ़ तो आस पास सराउंडिंग पंजाब के एरिया से उन्होंने सुनने लिए आते हैं। तो असी कोशिश करते हैं कि हर साल उन्होंने बुलाइए, क्योंकि उन्होंने सुनन मंत्र जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कुछ इस बार जो खास अट्रैक्शन रखे जो स्पैशल क्वेश्चन पूछा, वो अट्रैक्शन हैगा जिमें ना तुम वो देख रहे हो सामने, ये सानू ना नियाग्रा फाल की लुक देगा। अच्छा जी। हाँ जी, नियाग्रा फाल की लुक देगा। ये असी स्पैशल अपने जिन्हें भी लुधियाना के भक्त है उन्होंने वास्ते एक स्पैशल अट्रैक्शन पॉइंट रखे कि तुसी जदों आओ एक सैल्फी पॉइंट टाइप, तो भगवान के भी दर्शन करो और एक इंजॉय भी करो माहौल का। सर आप गल कर लिए वृंदावन की, वृंदावन च जन्माष्टमी बहुत मीनस कह लो भी बड़े लैवल पर मनाई जाती है, है ना, लोगों के बहुत उत्साह होंगे भी जन्माष्टमी आई है, क्योंकि हरेक साल बाद आती है, तो जेडे कि लोग वृंदावन नहीं जा सकते है ना, उन्होंने वास्ते औखा है, तो वो जनपद के चीज़ महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल 100% महसूस कर पाएंगे। मैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अश्योर कर रहा, साडे प्रेजिडेंट रक्षा नाथ जी भी इस चीज़ की तुहानू गरंटी देंगे कि जेडे बंदे वृंदावन नहीं जा पाते खासकर जन्माष्टमी से, तो वह इत्थे लुधियाना इस्कॉन जनपद श्री राधा गोपीनाथ मंदिर आन, तो जनपद वृंदावन तो वधिया नज़ारा पेश करावांगे। आज जन्माष्टमी है,
आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, लुधियाना के मंदिरों में देख पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भगवान की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जो वृंदावन की बात कर रहे हैं, यहाँ लुधियाना में भी हम तो दर्शन करने आ रहे हैं और वृंदावन की ही जो एंजॉय है वो यहाँ पर इन मंदिरों में पा रहे हैं। लग रहा है कि आप वृंदावन में ही हैं, वृंदावन में है भगवान, वृंदावन से लुधियाना में, लुधियाना में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे आज के जन्माष्टमी को? हाँ जी, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण भगवान जी आज ऐसा लग रहा है वृंदावन की तरह यहाँ भी विराजमान हो गए हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी को लेकर आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और इतनी मन को शांति मिल रही है ना, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत मन था यहाँ पर। कह सकते हैं कि वृंदावन की एक तरह ही आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लग रहा है जैसे ठाकुर जी मिल गए मुझे, तो ऐसे लग रहा है।